देन एवरीवन, ठीक है, कुछ कैंडिडेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए, मैंने बताया था आप सभी से, पूछा भी था, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर SSR का फॉर्म फिल किया है तो मैंने आपको कुछ शेयर किया है यहाँ पे सुबह, ठीक है। ये ग्रामर के 3 से 4 क्वेश्चन जो आएंगे ना, आप ये टॉप 70 और 80 रूल्स हैं ग्रामर के, पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप ज्योग्राफी और पॉलिटी भी करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं थ्रू वीडियो और PDF, इनका कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, इनको पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बस इतना बता रहा हूँ। इंग्लिश में आप डायरेक्ट एक्टिव पैसिव आते हैं तो आप 8 to 10 मार्क्स यहीं से गेन कर लेंगे। चलिए टॉपिक पे बैक आते हैं, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, कैसे डाउनलोड करना है फिर से बताते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो उसके इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं सारे यहाँ पे बताने वाला हूँ आप सभी को, तो बस यही है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, जो कैंडिडेट वाले में लिख के आ रहा है अग्निवीर चौहानी ने नावे अग्निवीर नावी डॉट सी डी एस सी डॉट इन पर जब हम क्लिक करते हैं तो 500 ईयर समथिंग ऐसे करके पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहा है। ओके, डोंट वरी, देखो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि नावी आपके वाले पे ही कर रहे हैं, वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, इतना भी नहीं है कि वेबसाइट बहुत स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट है सर, 4 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, हाँ, लेकिन ये है काफ़ी नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए थे, लेकिन फिर भी इतने भी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है कि आपका एक एडमिट कार्ड तक ना डाउनलोड हो, या फिर नावी की वेबसाइट बिल्कुल यहाँ पर ऐसे सस्टेन कर गई, हिल नहीं रही, ऐसा नहीं है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिखाता है। सबसे पहले आप सभी को करना क्या, टेलीग्राम पे नहीं जुड़ो, जुड़ जाना, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फिर आप नावी की वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं indiannavi.cdse.in, फ्रंट पे आपको एडमिट कार्ड का ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं, ये लिंक मैंने फिर से प्रोवाइड करा दिया, रोइए मत यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आप सभी एक चीज़ कर सकते, हमने इस लिंक पर क्लिक किया, आप देखो जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी खुल जाएगा, ठीक है। मेरा भी यहाँ पे मेरे जो मैं अभी कनेक्ट कर रखा हूँ, मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, 100 Mbps का स्पीड है, उसके साथ ही आप अगर चाहें तो यहाँ पे डेस्कटॉप वेबसाइट कर सकते हैं, डेस्कटॉप मोड पर कर सकते हैं अगर इधर से करना चाहें तो, ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब देख सकते हो यहाँ पर भाई वेबसाइट स्लो चल रहा है, बट अभी डाउनलोड करके दिखाऊंगा आप सभी को, इसी वीडियो पर डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो हम इस वाले इंटरफेस पे आ चुके हैं, कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा सा वेट किया, ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट मुझे वेट करना पड़ा, 2 से 3 मिनट यहाँ पे लिख किया, नीचे रीलोड वेबसाइट एरर टाइप में, हमने रीलोड पे क्लिक किया, फिर से रीलोड पे क्लिक किया, इवन जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने अब ये वाला इंटरफेस ओपन होके आ गया है, ठीक है, फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ गया। आप चाहे तो सीधा नावी यही वाला डायरेक्ट आपको लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। अब कुछ नहीं करना आप सभी को, यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी फिल करना है, ठीक है, अपना मेल आईडी, अपना यहाँ पे पासवर्ड और ये कैप्चर कोड जो नीचे फिल कर रखा है, ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पर फिल कर दूँ आपके सामने। देखो यहाँ पर मैंने मेल आईडी ऊपर फिल किया, ये देखो यहाँ पर मेल आईडी ऊपर फिल किया, ठीक है, उसके बाद हमने पासवर्ड फिल किया, उसके बाद हमने कैप्चर कोड फिल किया, इतना तो ईजी है ना, सभी कर लेंगे, ओके okay? अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हो सकता है एरर दिखाए, करने दो, फिर से करो आप ट्राई, थोड़ा सा इंटरनेट आपका अच्छा होगा, वेट 1-2 मिनट करना पड़ेगा, बिल्कुल अचानक से नहीं होगा, ठीक है, ऐसे लोडिंग हो रहा है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 11:37 है यहाँ पे टाइम, अब मैं देखता हूँ कब ये होता है, लो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, कैसे नहीं होगा, ठीक है, वेट करना पड़ेगा बस थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि अचानक से हो जाएगा, तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ टाइम लगेगा बट आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, तो परेशान मत होइए, किसी का नहीं हो रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। अब नावी का वेबसाइट है स्लो थोड़ा सा चल रहा है, इसमें क्या ही कर सकते हैं, तब तक मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये होने देते हैं कि आपका जो एक मॉक मैं दूंगा, आप सभी का स्कोर कितना भी हो रहा हो, कहीं से भी आपने पढ़ाई करी हो, एक मॉक मैं आपको आज दूंगा, आज या कल में, अगर आपका स्कोर 40 नंबर उस मॉक में आया, 40 आप उसके आसपास 38 और 42 भी कर रहे हैं, 40 क्रॉस करें तो बहुत अच्छी बात है, 38 के आसपास भी है ना, आपका पहला पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है, मॉक में दूंगा साथ में आंसर की भी देंगे, लो हो गया डाउनलोड, एक ही बार तो किया है यहाँ पे, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट डाउनलोड SSR एडमिट कार्ड, अपने सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे ही क्लिक किया अभी फिर से एक बार थोड़ा सा ऐसे कुछ करने की मूड से कर लेने देते हैं इसे हम, अब सीधा एडमिट कार्ड ही डाउनलोड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड हॉल टिकट प्रिंस कुमार, ओके, अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ गया, पहले भी मैंने डाउनलोड किया था, अब डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर PDF ओपन कर लेते हैं, तो हम इसी पर करके PDF को ओपन कर लेते हैं, कि आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ चुका है। जॉइन इंडियन नेवी भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए 02-2024 वाला बैच है, अग्निवीर वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती परीक्षा आपकी होने जा रही है, सारा का सारा यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आगे बढ़ते हैं।
इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए एक एक स्टेप आपके सामने ही, मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, ठीक। अब इसमें क्या गलत था क्या सही नहीं, अब सबसे पहले कुछ कैंडिडेट के जितने डाउट आएंगे सब खत्म करते हैं। सेंटर आपका इनका बिहार पे है, पटना इनका मतलब बिहार पे है, पटना इनका सिटी है। अब कुछ कैंडिडेट ने कल कमेंट, अरे भैया मुझे पूरा एड्रेस नहीं दिखा रहा है, भाई मेरे अभी पूरा एड्रेस नहीं आया, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, पढ़ लिया करिए कि 72 घंटे आपको पता पहले पता चलेगा कहाँ पे है। आप पटना पहुँचिए, ठीक है, बिहार में पटना रेलवे स्टेशन पहुँचिए, उसके आसपास ही होगा, और 72 घंटे पहले तो आपको पता चल ही जाएगा ना, ठीक। आगे एग्ज़ाम डेट इनका 10 को है, स्लॉट यहाँ पे, शिफ्ट यहाँ पे, रिपोर्टिंग ओके ओके इस सब का आएगा, ठीक है। चलो अब हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो जो है। परीक्षा लिखने के लिए प्रवेश अंतरिम है भारतीय नौसेना द्वारा निर्देश, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड गया तो बिल्कुल आप सब कुछ ठीक है, कुछ चीज़ें अगर गलतियाँ हुई तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आगे आगे बढ़ते हैं। आपकी पहचान तकनीकी साधनों और बायोमेट्रिक का उपयोग करके सत्यापित की जाएगी, यदि प्रतिरूपण का पता चलता है या आप किसी प्रकार के कदाचार में लिप्त पकड़े जाते हैं तो ठीक है। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे ये वाला एक वर्ड में मैं आपको समझाऊँ तो आप ही पेपर देने जाना, आपकी जगह पर अगर कोई जाता है या कोई ऐसा करता है तो बस फिर उसके साथ में न जाने कौन कौन सी धाराएं लगने वाली हैं, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, धोखाधड़ी, मूल्यवान सुरक्षा और न जाने जालसाजी, बस फिर उसे न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फिनिश कर लेते हैं। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड जारी करने का मतलब नहीं है कि बिल्कुल अंतिम मंजूरी दे दी गई, उससे मतलब यार एडमिट कार्ड सही होगा, आप हैं कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म। आगे वाला पॉइंट, परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए किसी भी, ठीक है, आपका एग्जाम सेंटर होता नहीं कैंडिडेट, भैया बीएड का एग्ज़ाम है सेम डे, भैया ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है सेम डे, कैसे कर पाएंगे सर दोनों की दोनों एग्ज़ाम, ये वाला कुछ ऐसा चेंजमेंट नया भी नहीं चेंज करेगा, बाकी उन्हें नहीं मतलब, क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर में ले जाना होगा आपको, ठीक है। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेके जाना होगा, आधार कार्ड की मूल प्रति मतलब फोटो कॉपी, फोटोग्राफ के साथ अधिवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी आप सभी को लेके जाना है, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, फोटो, ठीक है। इन दोनों में, इन तीनों, इन सभी में सबको नहीं लेके जाना, आधार कार्ड लेते जाना, ठीक है, और अगर इनमें से कुछ और भी है तो आप लेके जा सकते हो, साथ ही साथ आपको फोटोग्राफ लेके जानी अपनी, ठीक है, और हालिया की 6 तस्वीरें, हाल ही की 6 तस्वीरें भी आपको वहाँ पे लेके जानी है, ओके। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। निर्धारित शिफ्ट से उम्मीदवार अनुपस्थित होने पर, ठीक है, किसी दूसरे शिफ्ट में रिपोर्ट नहीं माना जाएगा, जो रिपोर्टिंग टाइम है 30 मिनट पहले ही पहुँच जाना, ये इसमें टाइम का बहुत बड़ा बवाल होता है, मैंने मुझे याद भी है नैविक पे क्या होता है कि अब देखो पेपर आपका 10:30 से 11:30, अब आप पता है कब 8:10 बजे, 8:10 पे अंदर हो जाओगे, 8:10 पे अंदर हो जाओगे, उसके बाद आपको पता है 2 घंटे अंदर वेट करना पड़ेगा, 2 घंटे एग्जाम शुरू होने से पहले, बहुत बोरिंग होता है। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, बगल वाले से बातें करते रहना, हो जाएगा टाइम। प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं के हित में सभी प्रकार से पात्रता की जांच करनी चाहिए, ठीक है, आपको पता है कोई असुविधा आपको नहीं होगी, यहाँ पे मोबाइल फोन डिवाइस वगैरह लेके नहीं जानी होगी, आप सभी को पता है फ़ोन वोन लेके मत जाइएगा यार, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह घर से मत कुछ पहन के जाना, जैसे घड़ी पहन के जा रहे हैं रंगबाजी में, फिर बाहर कहीं पर रख दिया फिर खो गया, ऐसे मत करिएगा, ठीक। परीक्षा 60 मिनट की होगी और पेपर आपके क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होगा, पेपर का पैटर्न आप सभी को पता है, टेलीग्राम पे काफ़ी सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, नहीं जुड़े तो जुड़ जाना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल। भारतीय नौसेना के पास परीक्षा के किसी भी वर्ग या सभी वर्गों में योग्यता तय करने का अधिकार होगा, देखिए यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, सेक्शन वाइज यहाँ पे कट ऑफ रहेगी, ये चीज़ मेंशन कर रखी है। समाप्त परीक्षा जब तक फिनिश नहीं होती तब तक आप कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के विवरण को कॉपी और पेस्ट नहीं करना चाहिए, एडमिट कार्ड इसी फॉर्मेट में प्रिंट लेना है, ठीक है, तो जो आपका एडमिट कार्ड है ना इसी को आपको वहाँ पे लेकर के जाना है, यही बता रखे हैं। उम्मीदवार को मुद्रित फोटो के बगल में खालिया तस्वीर चिपकानी है, तो यहाँ पे ऊपर एक फोटो भी चिपकानी है आप सभी को, यहाँ पे देखिए इधर आपको एक फोटो भी अपनी चिपकानी है, ठीक है, 5-6 फोटो 6-7 फोटो आपको मांगी, ज़्यादा ही लेके जाना, 10 फोटो लेके चले जाना। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। परीक्षा केंद्र के अंदर, ठीक है, पास घड़ी नहीं लेके जाना है। द्वितीय चरण के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के एडमिट कार्ड के साथ यह एडमिट कार्ड भी ले जाना होगा, दोनों नहीं ले जाने वाले उम्मीदवारों को द्वितीय चरण प्रक्रिया उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 नंबर, अगर सर आपका ये एडमिट कार्ड खो जाता है आप स्टेज 2 में बाहर हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये एडमिट कार्ड आप सभी को सेफ रखना है, इवन आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इतना तो याद रखोगे ही कि एडमिट कार्ड आपको सेफ रखना है। आगे सत्यापन के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, लेके जाना होगा। आगे बस यही यहाँ पे वो लिखा है कि वो गैर कानूनी बिवेयर रहना उन मतलब एंटी सोशल लोगों से, जो कहते हैं ये करवा देंगे वो करवा देंगे, इन सभी लोगों से, ठीक है। परीक्षा के दौरान किसी भी समय ब्राउजर साइट को ना बंद करें, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, पेपर आ रहा है पेपर देना है बस भाई मेरे,
ठीक है, स्क्रीन पर आपका हॉल टिकट नंबर फोटोग्राफ वगैरह दिखाई देगी, नहीं दिखाई दे रही तो आप अगल बगल जो सर लोग मैम लोग घूम रहे होंगे उनको इन्फॉर्म कर देंगे मैम ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, सुनिश्चित करें कि हालिया अपनी हालिया रंगीन तस्वीर चिपकाई, आपकी जो फोटो होगी वो कलर होनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सिस्टम उम्मीदवार को परीक्षा की शुरुआत के बारे में सूचित करेगा, जब भी आपका पेपर स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा पहले ही। पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, प्लस 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, 0.25 का निगेटिव है, नहीं अटेम्प्ट करोगे 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 60 मिनट का पेपर होगा। हाँ, परीक्षा प्रारंभ होने पर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, वही सब मेंशन कर रखा है। स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं पेपर के लिए, यहाँ पे व्यू इंस्ट्रक्शन पे पेपर के बारे में होगा ऑफिशियल। प्रयास किए गए, बिना प्रयास किए गए, ठीक है वो होता है ना रिव्यू कर देना, वही वाली चीज़ यहाँ पे मेंशन है, कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रफ सीट आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, परीक्षा सबमिट करें करना क्लिक करना ना भूलें। अच्छा, पेपर जब हो जाएगा आपका तो आपको सबमिट क्लिक करना खुद ही करना होगा, ये वाला 0.17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के लिए समय बीत चुका है तो परीक्षा स्वयं सबमिट हो जाएगी, भले उम्मीदवार सबमिट करे या फिर ना करे। परीक्षा कर, हाँ ठीक है, कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, सबको पता है। पेन पेंसिल रबर बैग लाना मना, पेन वगैरह मत लेके जाना, वो खुद ही देंगे। फाइनली ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एज वेल एज फ्रॉम नैवी साइड। ओके, तो ये था कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना, क्या कैसे चीज़ें होंगी बताने के लिए से हम 30 मिनट भी बता सकते थे, मैंने इसे 10 मिनट में फिनिश कर दिया। और आपका फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन का यूज करिए। टिल देन एवरीवन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।